बड़ी खबर हम आपको बता दें, धोखाधड़ी के केस में सत्यम कंपनी के मालिक रामलिंगा राजू को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें, रामलिंगा राजू समेत 10 लोगों को मामले में दोषी ठहराया गया। राजू पर कंपनी के अकाउंट्स में हेर फेर कर ज्यादा मुनाफा दिखाने का दोष साबित हुआ है। हमारे संवाददाता संजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी संजय, क्या जानकारी है? अभी अब कोर्ट ने ये जजमेंट अनाउंस किया है कि जो सभी 10 आरोपी हैं उनको धारा 120 यानी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया है। इसके अलावा जो कंपनी के पूर्व चेयरमैन रामलिंगा राजू और उनके भाई जो कंपनी के एमडी थे रामा, उनको धारा 409 के तहत दोषी पाया गया है। ये धारा 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा है और इसमें जो है वो 10 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है। इसलिए काफी कड़ा जजमेंट है और कुल मिला के अगर अभी जजमेंट जैसे ही इसके अंदर इनको सजा का ऐलान होगा, उसमें सजा 10 साल से ऊपर की सजा हो सकती है। वी रामलिंगा राजू और रामा राजू को ये 14,000 करोड़ का स्कैम था जो साल 2009 में सामने आया और इसके बाद से ये लगातार कोर्ट में मामला चल रहा था और 6 साल बाद ये जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है। चलिए तो नजर बनाए रखिए और डिटेल इस पूरे फैसले के बारे में आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।